much better. फोन क्यों नहीं उठा रही सूटी? कहीं नाराज तो नहीं हो गई बेचारी? नहीं नहीं, उसे पता है हम उसके पापा के कैफे के लिए भी बात करने आए हैं यहाँ पर, नाराज तो नहीं होगी? अगर हम कैफे में कोट ऑफ द डे बोर्ड लगाए तो वो क्या होता है? अरे वो अखबार में होता है ना, आज का सुविचार है? तो ऐसे सुविचार तो मेरे पास भी बहुत है। एक बता। भूल गया। चुप करने भाई लो। आनंदिनी, ये तेरा आइडिया अच्छा है। थैंक यू बा। ये लो। फैंटास्टिक बाकी, दिस वाज अमेजिंग। मगर अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ हाँ, अगर मम्मी करा रही होती तो अब तक हो भी जाता। I'm sure, लेकिन वो इतनी बिजी है तो क्या कर सकते हैं। आती होंगी मम्मी, मगर आते ही तो वो घर के कामों में लग जाएगी, क्योंकि वो अपनी लाडली किंजल से घर के काम तो नहीं करवा सकती ना। और तब तक तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो फोन कर लो। नहीं, अगर उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं? हम प्रैक्टिस करते हैं ना। ओके ठीक है, चलो। नंदिनी बेटा, तेरा फोन। सॉरी मैं निकलती हूँ, वो स्वीटी से बात नहीं हो पा रही है, उसे डांस की प्रैक्टिस करानी है, खाना भी बनाना है, मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से आइए। हो अरे तो हम भी चलते हैं ना, बाकी की बातें घर पे कर लेंगे। हाँ, और हमको कौन सा आज ही काम शुरू करना है, चलते हैं। वैसे भी मम्मी को अपनी लाडली की बड़ी चिंता हो रही है। चुप कर जल कुकड़ा कहीं का, सभी मेरे लाडले। हाँ वो तो पता ही है। Burning hen. कल से यहां एक नई शुरुआत होगी। डांस करती है हमारी स्वीटूडी, तो बहुत अच्छा किया। काव्या थैंक यू, इतना अच्छा सिखाया तुमने, तुम दोनों का तालमेल इतने अच्छी तरह से बैठ गया। सिखाने वाली भी ऑसम और सीखने वाली भी ऑसम, दोनों रॉक स्टार्स। बाकी तुमने काव्या को थैंक्स बोला? थैंक्स काव्या, एटलीस्ट किसी ने तो मेरे लिए टाइम स्पेयर किया। बाकी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो कैसे कहूं, मम्मी के पास तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा। बापूजी प्लीज, आप हर बार मम्मी का साइड मत लिया कीजिए,
मेरी बारी जब भी आती मम्मी बिजी हो जाती, कभी तोशु भाई, कभी विंटर, कभी भाभी, मेरा नंबर तो आता ही नहीं है। बेटा सॉरी, बहुत 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 सॉरी, वो मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं था इसलिए मैं। मम्मी अगर आपके लिए बात करना इम्पोर्टेंट होता ना तो आप किसी के भी नंबर से मुझे फोन कर सकती थी, पर नहीं, आप तो विंटर के साथ ही डांस कीजिए। अरे बाप रे, मेरी स्वीट उड़ी को इतना सारा गुच्छा आ गया। सॉरी ने बेटा, वो डांस स्कूल का काम था ना तो। हाँ तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मेरा डांस इम्पोर्टेंट नहीं था। आई नो व्हाई, मुझे सिखाने के पैसे नहीं मिलेंगे ना आपको। पाखी बेटा बात करना है तो करो, बदतमीजी मत करो। वहां पे काम था इसलिए लेट हो गए, जैसे काम खत्म हुआ है तुम्हारी मम्मी यहाँ पे दौड़ती हुई आई है। तुम्हारी परफॉर्मेंस उसके लिए तुमसे ज्यादा जरूरी है। आज थोड़ा लेट हो गए पर तुम्हें काव्या ने सिखाया ना, व्हाट्स द बिग डील। वी, तुम माँ बेटी के बीच में मत बोलो ना। काव्या तुम बाप बेटे के बीच में मत बोलो प्लीज। ओके हाँ, आप सब मुझे ही डांटिए। मम्मी अब काम करती है तो मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लेती हूँ, कोल्ड कॉफी खुद बना लेती हूँ, उन्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करती। पर फिर भी मम्मी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है, और बाकी सबके लिए तो बहुत सारा टाइम निकल आता है। कारखाने जाना होता है तो सब साथ में जाते, सब मुझे कोई बुलाता भी नहीं। आप लोगों की ना एक टीम बन गई और मैं उस टीम में नहीं आती। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो बेटा। मैं तो हूँ ही गलत पापा, बाकी सब सही है, सब इम्पोर्टेंट है। मैं ही फालतू और मेरी स्कूल का फंक्शन फालतू है। मम्मी आपके ना सिर्फ चार बच्चे, भाई, भाभी, विंटर और उसकी फियांसी। मैं तो नंदिनी के भी बाद आती हूँ। स्वीटी पापा, मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तब तो मम्मी के लिए पापा की साइड लेगा, वेरी स्मार्ट है, तभी तो मम्मी का फेवरेट है। सभी मम्मी के फेवरेट है यहाँ पर। प्लीज, सबको पता है कि तेरे आगे ना मम्मी को कुछ नहीं दिखता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। मम्मी ना पार्शियलिटी करती है। स्वीटी तो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है। तो सुन क्यों रहा है, कान बंद कर ले। तू अपना मुंह बंद कर ले ना, बकवास तो नहीं करेगी। शट अप, अरे ना बस करो, दोनों तब से झगड़े जा रहे हो। समर तू चुप हो जा, पाखी सॉरी बोल के बात खत्म कर दो। मैंने गलती नहीं की तो किस बात की सॉरी। पाखी तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो तो सॉरी मत बोलो, लेकिन इतना चिल्ला के बात तो मत करो। मैं अकेली नहीं चिल्ला रही थी, ये भी चिल्ला रहा था, लेकिन इससे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आप परेशान मत होइए अलमान, आपने मेरी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया है। मम्मी हाँ भी मम्मी की आर्मी, मम्मी को कुछ भी बोल दो तो मम्मी की आर्मी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सच का इस घर में मुझे छोड़ के ना सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मम्मी का काम, पापा का काम, तोशु भाई का ऑफिस, भाभी की जॉब, इसका डांस और इसकी फियांसे, इस घर में मुझसे ज्यादा तो खाने को लेकर डिस्कशन होता है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तू तो मेरी सब कुछ है स्वीटूडी। सॉरी सॉरी सॉरी, आज एक दिन देर हो गई। वही एक दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था मम्मी, कंपटीशन सर पे है, और मैंने ना स्कूल में सबसे बोलकर रखा कि कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मुझे मेरी मम्मी डांस सिखाएंगी। पर मैं तो मेरी मम्मी की टीम में हूं ही नहीं ना। आई डोंट हैव यू मम्मी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप सब मम्मी की साइड क्यों लेते हैं। पाखी जो गलती तुम आज कर रही हो ना, वही गलती मैंने कुछ दिन पहले की थी। आप गलत थे भाभी, पर मैं गलत नहीं हूं। पाखी ये सब सॉरी 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 स्वीटूडी, आज हो गया, दोबारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। बा आप लोग आज थेपले खा लीजिए, मैं बस अपनी स्वीटूडी को डांस सिखाऊंगी। आओ काफिया। अच्छा ओके मम्मी, जब आपने मन से नहीं किया तो जबरदस्ती भी मत कीजिए। आप बाकी सबका देखिए, मेरा बेस्ट ही देख लेंगे।
और समझ भी कच्ची है।